आज हम ये जो चाइनीज स्पीड से बनी हुई गाड़ी और जो मेक इन इंडिया गाड़ी है, ये दोनों में हम देखते हैं कि क्या कंपैरिजन है, क्या फर्क है, क्या मूलभूत विशेषताएं हैं हमारे मेक इन इंडिया गाड़ी की और ये चाइनीज गाड़ी के आगे वो गाड़ी कैसे मजबूत है। तो पहले हम देख लेते हैं ये गाड़ी में जो हेडलाइट लगी हुई है, ये मोटरसाइकिल जैसी सिंगल हेडलाइट है। दूसरा, ये हमारी जो मेक इन इंडिया गाड़ी है उसमें जो गाड़ी में जो हेडलाइट लगाए हुए हैं ये ट्विन स्टैम्प है, ये जो है ये दोनों तरफ से है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें जो है, इसमें जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक यानी मोटरसाइकिल जैसा है, जिसकी वजह से हाथों के ऊपर पूरा दबाव आ जाता है। इसके अलावा इसके कंपेरिजन में हम अगर मेक इन इंडिया गाड़ी देखेंगे तो ये मेक इन इंडिया गाड़ी में हमारा जो है एकदम स्टीयरिंग कॉलम विथ हेलिकल कॉइल स्प्रिंग है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसको हैंडल के ऊपर उसका दबाव नहीं आएगा और वो आराम से कितना भी किलोमीटर गाड़ी चला सकता है। तीसरी चीज महत्वपूर्ण हम देखते हैं दोस्तों, ये गाड़ी में जो लगाए हुए ड्रम है या फिर ब्रेक जिसको आप बोलते हैं, ये ड्रम साइज है और ये अपनी मेक इन इंडिया गाड़ी जो है, जो कि एपिस फिटवेल मोबिलिटी की, उसमें डिस्क ब्रेक है। तो ये हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक और ये ड्रम ब्रेक। अभी डिस्क ब्रेक से हमको क्या मिलता है, तो दोस्तों डिस्क ब्रेक से हमको ब्रेक का एफिशिएंसी बहुत बढ़िया से मिलता है। आगे हम जाएंगे तो ये देखेंगे इसमें जो कांच लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो कांच है एकदम नॉर्मल और बहुत ही बाजारू तरफ की ये लगती है कांच। और ये देखिए ये एकदम मजबूत ग्लास है जो कि कार जैसा इसका लुक है और वो एआरए अप्रूव्ड है। दूसरी चीज, इसमें जो वाइपिंग सिस्टम लगी हुई है ये फुल प्रूफ है, पूरा गाड़ी में 3 साल का वारंटी है, ये गाड़ियों में सिर्फ 6 महीना या 1 साल का वारंटी आता है। आइए चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। इसमें जो हम चार्जिंग का सिस्टम बोले हैं, ये हम यहाँ पे जो प्लग दिया हुआ है इसमें सिर्फ हम 15 एम्पियर का सॉकेट में अगर इसको इंसर्ट कर देते हैं तो इसमें घर में आराम से ये चार्ज हो जाएगी और सिर्फ 4 से 5 मिनट में वही खर्चे में ये गाड़ी पूरी 100 किलोमीटर चलती है। आइए दोस्तों यहाँ पीछे देख लेते हैं हम, ये जो टायर साइज है देखिए, अपना जो मेक इन इंडिया गाड़ी है इसमें जो टायर लगी हुई है ये 4.5-10 ये साइज की है, जो कि बड़े बड़े गाड़ियों में आती है, यानी जो मजबूत लोडिंग गाड़ी रहती है उसके जैसा ही टायर हमने दिया हुआ है। और ये चाइना वाली जो गाड़ी है इसमें हम देखते हैं इसमें जो टायर साइज दी हुई है वो है 90-90-12, यानी ये एकदम स्कूटर जैसा टायर साइज है। आइए दोस्तों हम देखते हैं इसमें जो रियर सस्पेंशन लगी हुई है, ये रियर सस्पेंशन अगर हम देखेंगे तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है और उसमें ट्रेनिंग आर्म और शॉक एब्जॉर्बर्स और रियर भी हमारा डिस्क ब्रेक है। इसके अलावा हम अगर देखेंगे इसके कंपैरिजन में तो ये गाड़ी में जो रियर सस्पेंशन है वो है लीफ स्प्रिंग पाटे वाला है और इसमें जो एक्सल लगी हुई है ये रिजिड एक्सल है, उसमें प्रोपेलर शाफ्ट थी तो इसमें रिजिड एक्सल है। अभी ये जो पाटे वाली गाड़ी रहती है दोस्तों, ये गाड़ी का ऐसा है कि अगर एक पहिया अगर गड्ढे में जाए तो दूसरा पहिए से ये गाड़ी पलटी हो सकता है। ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन कार जैसा रहता है तो अगर एक पहिया भी अगर हमारा गड्ढे में गया तो भी ये गाड़ी पलटी नहीं होगा। ये बहुत बड़ी इसमें जो कंपेरेटिव पॉइंट हम बोल सकते हैं। दूसरा, इसमें जो है हमने गियर बॉक्स दिया हुआ है दोस्तों, और बॉक्स की वजह से और 2 स्पीड वाला गियर बॉक्स होने की वजह से ये गाड़ी जो है लगभग 400 किलो पेलोड लेके जा सकती है दोस्तों। और इसमें हम अगर देखेंगे तो हमको नजर आएगा इसमें डिफरेंशियल दिया हुआ है, तो ये गाड़ी जो है ये गाड़ी का लोडिंग कैपेसिटी भी कम रहता है और ये गाड़ी जो है वो पलटी होने का चांस है। आइए दोस्तों अगले कंपैरिजन की तरफ हम चलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो ये जो हौदा बना हुआ है वो ट्रे साइज, ये ट्रे साइज हम देखते हैं तो 4x3
का है, 4 फीट बाई 3 फीट का। इसमें हम डिलीवरी वैन भी बना सकते हैं, तो हम कैसा भी यूज कर सकते हैं और मजबूत गाड़ी है। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कॉम्बिनेशन स्विच दिया हुआ है, ये तो अभी से ही हिल रहा है दोस्तों। और ये देखिए इसकी मजबूती, ये हम देख सकते हैं इस गाड़ी में। हम देखते हैं कि इसमें कोई वाटर होल्डर नहीं है, इसमें हम वाटर बोतल होल्डर भी दिए हुए हैं और हम ये क्लियरली देख सकते हैं। गाड़ी को जो हमने ब्रेक सिस्टम दिया हुआ है, डिस्क ब्रेक, वो भी हाइड्रोलिक है, ये ऑयल के ऊपर है। गाड़ी में 3 साल का वारंटी है और ये गाड़ी जो है इसमें हम ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कि लोग 6 महीना या 1 साल का वारंटी देते हैं। दोस्तों ये गाड़ी में अपना जो मेक इन इंडिया गाड़ी है V12 मोबिलिटी का एपिस, इसमें हम देखते हैं कि ये गाड़ी में ग्लो बॉक्स दिया हुआ है। ये ग्लो बॉक्स में हम यहाँ पे ओनर्स मैनुअल यानी जो गाड़ी के साथ में पुस्तिका आती है वो, उसके बाद में कुछ स्पैनर्स और जरूरी कागज हम इसमें रख सकते हैं। ये चाइनीज गाड़ी में वो नहीं आते। दूसरी चीज इसमें हम अगर बैटरी कितना चार्ज है जिसको हम स्टेट ऑफ चार्ज बोलते हैं, ये 2 जगह पे हम देख सकते हैं। एक तो ये डिजिटल क्लस्टर में भी देख सकते हैं और दूसरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है एडिशनल स्टेट ऑफ बैटरी चार्ज जो है यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है। इसमें हमको समझ आता है कि बैटरी अभी 89% चार्ज है। तो दोस्तों और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि ये गाड़ी अगर चार्ज करनी हो तो 3 घंटे में ये पूरी गाड़ी चार्ज हो जाती है, बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है और एक चार्ज में ये गाड़ी 100 किलोमीटर चलेगी। ये गाड़ी में जो बैटरियाँ लगी हुई हैं ये चार्जिंग करने के लिए जो लेड एसिड वाली है इनको 8 घंटा लगता है। और दूसरी चीज़ ये गाड़ी जो हमारी 100 किलोमीटर चल रही है ये लगभग 60-70 किलोमीटर चल सकती है दोस्तों। दूसरी और एक बात मुझे आने के बाद में भी इसमें हमको इंडिकेशन आ जाता है डिजिटल क्लस्टर पे, तो ये जो इंडिकेशन है वो भी उस गाड़ी में नहीं है। दूसरी चीज़ जो हम इंडिकेटर्स का है ये भी वो गाड़ी में नहीं है दोस्तों। ये जो हज़ार स्विच जो कि बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों कि समझो अपनी गाड़ी जो है उसको कोई प्रॉब्लम आ गई हो या फिर कोई दिक्कत आ गई हो तो इसमें ये पार्किंग जो बोलते हैं या हज़ार स्विच है ये चलता है दोस्तों, लेकिन उसमें वो हज़ार स्विच भी नहीं दिया हुआ। और रिवर्स के लिए सिर्फ हमने एक बटन दिया हुआ है नीचे, और ये बटन के ऊपर अगर हम समझो इसको नीचे दबा दें तो गाड़ी आगे जाएगा, ऊपर रखेंगे एज इट इज स्टेज में तो गाड़ी पीछे में जाता है। दोस्तों तो आप ही को डिसाइड करना है कि हम मजबूत गाड़ी लेनी है जो भी पैसेंजर सेगमेंट में या फिर कार्गो सेगमेंट में है पीस, तो ये हम जो मेक इन इंडिया वाली मजबूत गाड़ी लेंगे या फिर वो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।